यूपी विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है। छठे और सातवें चरण का मतदान 3 मार्च और 7 मार्च को होना है। इन दो चरणों में दो बड़बोले नेताओं के भविष्य का भी फैसला होना है। उनमें से एक है स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर। एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हारने की कगार पर खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा मुखिया राजभर भी अपनी सीट पर फंसते हुए दिख रहे हैं। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर की तगड़ी घेराबंदी भाजपा और बसपा ने की है। वहीं बची खुची कसर ओवैसी और कांग्रेस ने भी मजबूत उम्मीदवार देकर पूरी कर दी है। भाजपा ने राजभर बिरादरी के कालीचरण राजभर को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने इलाके की पुरानी नेता और जमीनी पकड़ रखने वाली सादाब फातिमा को मौका दिया है। सादाब फातिमा शिवपाल खेमे की समाजवादी पार्टी की नेता मानी जाती हैं, लेकिन टिकट न मिलने की वजह से उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया था। सादाब फातिमा की मुस्लिम समुदाय में अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में इस बात की आशंका है कि वह सपा गठबंधन से जो फायदा राजभर को होना था उसे काट सकती हैं। वहीं कांग्रेस ने यहां से ज्ञान प्रकाश सिंह मुन्ना को उम्मीदवार बनाया है, तो ओवैसी ने शौकत अली को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि अब तक यह मुकाबला ओपी राजभर और भाजपा के बीच ही माना जा रहा था, लेकिन सादाब फातिमा की एंट्री से सभी का मामला बिगड़ गया है। सादाब जहूराबाद की पुरानी नेता है और अखिलेश सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम कराए थे। मुस्लिम समुदाय से इतर हर वर्ग में उनके समर्थक माने जाते हैं। वह 2017 में सपा में मचे पारिवारिक घमासान के बाद शिवपाल यादव के साथ चली गई थी और उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की नेता थी। लेकिन इस बार जब शिवपाल और अखिलेश साथ आए तो उन्हें टिकट नहीं मिला। सपा से गठबंधन होने की वजह से यह सीट ओपी राजभर के खाते में चली गई। लेकिन अब सादाब फातिमा के हाथी पर सवार होने से बसपा के परंपरागत दलित और मुस्लिम वोट तो सादाब फातिमा के खाते में जाएंगे ही, साथ ही मुस्लिम मतों का भी बंटवारा होने से ओपी राजभर का खेल खराब हो गया है। वहीं राजभर वोट भी भाजपा और सुभाषपा में बंटने तय माने जा रहे हैं। इस तरह अब मामला दूसरी जातियों के वोटों पर जाकर ठहर जाता है, लेकिन दूसरी जातियों में अधिकतर जातियां भाजपा की परंपरागत वोट बैंक रही हैं। इसीलिए कहीं भाजपा तो कहीं बसपा मुकाबले में भारी होती दिखती है, लेकिन मुस्लिम यादव और कुछ राजभर वोटों के सहारे ओम प्रकाश राजभर की नैया कैसे पार होगी यह कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बसपा से 2 बार विधायक रह चुके कालीचरण राजभर के इस बार भाजपा से आने से उनका भी गणित मजबूत हो गया है। और उधर कांग्रेस और ओवैसी मिलकर ओम प्रकाश राजभर का भट्ठा तो बैठा ही रहे हैं। इस तरह ओम प्रकाश राजभर की चुनावी गणित अब पूरी तरीके से भंवर में फंसी नजर आती है। बहरहाल मौर्य की तरह राजभर भी बुरी तरह फंस चुके हैं और उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।